बाढ़ पीड़ितों की मदद की और रुचि के साथ पूछताछ की। भारी बारिश के कारण भामरागढ़ तालुका में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुनीश्वर खेल उप निदेशक शेखर पाटिल, डॉक्टर विम्स अस्पताल आशीष बड़खल, डॉक्टर नेहा बड़खल, डॉक्टर ईशा कुमारी, जिला खेल अधिकारी पल्लवी धात्रक उपस्थित थी। इस अवसर पर कलेक्टर आर विमला ने कहा कि नागपुर में इतनी बड़ी संख्या में शिव छत्रपति पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करके प्रसन्न है। नागपुर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए बुनियादी ढांचा और संगठन काम कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी अच्छा करियर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को संस्कारित करना जरूरी है। अनुभवी एथलीटों को देखने, मिलने और उनके साथ बातचीत करने से उनकी जिम्मेदारी का अंदाजा हो जाता है। इस एक पीढ़ी की कड़ी मेहनत के कारण वे सुविधाओं के अभाव के दौर में नागपुर की प्रतिष्ठा बढ़ाने में सफल रहे, इसलिए जरूरी है कि नई पीढ़ी का इस क्षेत्र में जोश के साथ प्रवेश किया जाए। इस अवसर पर शिव छत्रपति पुरस्कार राज्य एवं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त करने वाले 30 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।